एशिया कप में भारत की जीत पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई, कहा टीम ने किया जबरदस्त कौशल और धैर्य का प्रदर्शन। गुजरात में चल रहे चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी की बैठक, पीएम ने बीजेपी को कमेटी के साथ बंद कमरे में की बैठक। शिवसेना विवाद पर 5 जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर 8 सवालों से तय होगा शिवसेना का अधिकार। पश्चिम बंगाल में शुरू होगा प्रशिक्षण शिविर, बीजेपी आयोजित करेगी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई एमएलए, झारखंड में सीएम सोरेन की विधायकी पर आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। नगर विकास मंत्री एके शर्मा दौरे पर रहे, इस दौरान उन्होंने 65 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही सर्किट हाउस में हुए कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी और पीएम आवास योजना के तहत 20 लाभार्थियों को आवासों की चाबी सौंपी गई। मंडल की समीक्षा के लिए मंत्री समूह आया हुआ है और उस मंत्री समूह के साथ हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री माननीय अरुण कुमार सक्सेना जी, यहाँ के सांसदगण, यहाँ के महापौर, यहाँ के माननीय विधायकगण हमारे साथ उपलब्ध हैं। अभी जिला कलेक्ट्रेट में बहुत तो ही व्यापक समीक्षा हुई है, लगभग 2.5-3 घंटे, उसके बाद औरैया के एक एरुवक्तरा कस्बे डीआईजी ज्योत्सना आनंद ने पुलिस टीम के साथ मेडिकल स्टोरों पर छापा डाला, जिसमें कस्बे के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान गुप्ता मेडिकल स्टोर पर एक्सपायर दवाओं को चार बोरियां बरामद की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए डीआईजी ज्योत्सना आनंद ने कार्रवाई की बात कही। मैम, आज आपके द्वारा एरुवक्तरा मौके पर पहुंचकर कई मेडिकल पे छापा मारा गया, क्या इसका मामला था, किस वजह से छापा मारा गया? ये जो छापे मारे गए हैं, जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार था और साथ में हमारे सहायक आयुक्त कानपुर मंडल कानपुर, उनके द्वारा गठित टीम के द्वारा हमने जो है वो निरीक्षण किया है। टीम मेडिकल स्टोर की हमें एक शिकायत मिली हुई थी, जिसके द्वारा हम यहाँ पर आए और हमने छापे मारे। क्या कुछ बरामद हुआ, क्या है? हाँ, हमने जो 3 मेडिकल स्टोर छापे किए, जिसमें कि गुप्ता मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर भारी मात्रा में जो है एक्सपायर ड्रग जो है बरामद हुई। संबल में कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के आह्वान पर बलात्कार पीड़िता बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किए जाने के विरोध में आलम सराय के ने कैंडल मार्च निकाला। अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन आरिफ खान तनवीर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुल्तानपुर में तीज व्रत को लेकर बाजार गुलजार हो चुके हैं, जगह जगह पर दुकानें सज चुकी हैं और सामान खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक ये व्रत कुमारी और सौभाग्यवती महिला करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। देखिए, कोविड 3 साल से था तो हम लोग अपने घरों में बंद थे और त्योहारों को भी अपने घर में अपने आपस में ही मना रहे थे, मार्केट में आने का कोई चांस ही नहीं था। इस बार मार्केट में उतनी ही चहल पहले जैसे पहले हमें दिखती थी, हम मार्केट में आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को खरीद रहे हैं त्योहारों से रिलेटेड। आज हमने मेहंदी लगवाई है क्योंकि तीज का त्यौहार है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले जैसी रौनक वापस आ गई है और कोरोना का डर लोगों के मन से खत्म हो चुका है। जैसे लोग इस बार जो है गणेश जी की प्रतिमा भी बैठा रहे हैं और
घरों से लेकर बाहर तक पूजा होती है, इसके बारे में क्या कहना होगा? देखिए, गणपति को बैठाने का घर में एक अलग ही जो हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो अलग ही है। हम ये मानते हैं कि गणपति जब घर में आते हैं, 10 दिन रहते हैं, तो जाते समय हमारे घर के सारे दुख हर के ले जाते हैं। पिछले 3 सालों से ऐसा नहीं हो पा रहा था। हम छोटी सी प्रतिमा अपने घर में तो बैठा रहे थे, लेकिन जिस रौनक के साथ मार्केट में निकल के एक बड़ी जगह पे पूजा अर्चना होती है वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि तैयारियां शुरू हो रही हैं। जैसे जो है खरीदारी नहीं हो रही है, हो रही है, पर क्या है कि अपने हिसाब से लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं, और जहाँ तक आशा है कि लास्ट महीने में चीज पड़ गई, लोगों की जेब जो है कड़की है, इसलिए जो है दिल खोल के खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। कोविड के बाद से आज गणेश जी का आपकी पूजा आराधना सब कुछ शुरू हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना होगा? गणेश पूजा के खास अहमियत है कि कजरी तीज के बाद ही पड़ता है गणेश पूजा। पंडालों में मूर्ति अभी से ही लोग जो है पहले से ज़्यादा उत्सव मनाने के लिए सोच रहे हैं कि बाबा गणेश भगवान की असीम कृपा है कि गणपति को लाया जाए, अपने घर में बैठाया जाए, मोहल्ले में जहाँ जहाँ बैठती हैं सब लोग विधि विधान से पूजा करके खुशी। कानपुर के घाटमपुर तहसील में यमुना किनारे एक के गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक तहसील के अमृतपुर, मोहटा, गड़था और कई गांव टापू बन गए हैं। लोगों को नित्य क्रिया के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से मिल रही सुविधाओं का भी उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां मंथन आर्ट के बैनर में प्रमाण काकोरी नाम के नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान अमर शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपर नगर आयुक्त और नाटक के लेखक ने किया। इस नाटक में एसडीएम प्रशासन समेत बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। ये आज जो यहाँ पर नाटक प्रस्तुत किया गया है, इसका नाम है प्रणाम काकोरी, और इसके लेखक हमारे शहर के ही हैं, श्रीयुत महेश सक्सेना जी। ये नाटक जो है वो लिखा गया था वर्ष 2004 या 2005 के आसपास, लेकिन था ये कि काफ़ी सारी योजनाएं तो कई बार बनी इस नाटक को करने के लिए, लेकिन अमूमन नाटक हो नहीं पाया। लेकिन हम लोगों ने 8 जुलाई को इस नाटक को जब रीडिंग करी हम लोगों ने, तो हम लोगों ने ये संकल्प ले लिया कि चलो अब इस नाटक को कुछ करते हैं, क्योंकि शाहजहांपुर की पृष्ठभूमि पर ही आधारित था ये नाटक ठाकुर। ये देखिए, जनपद शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है, और यहाँ हर तरह का शहीदों से जुड़ा हुआ और देश की भक्ति को, जज्बे को बढ़ाए जाने वाले कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज ये नाटक का मंचन हुआ। आपने देखा कि पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था और एक भी व्यक्ति सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। ये बड़ी ही अद्भुत, बड़ी ही रोमांचकारी और देश का जज्बा बढ़ाने वाला ये मंचन था। इसकी हम लोग भूर भूर प्रशंसा करते हैं। खबर सहीबाबाद के फैक्ट्री लिंक रोड थाना के इंडस्ट्री एरिया से है, जहां बच्चों की साइकिल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जल गया, जिसके कारण दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों के प्रयास से आग बुझाई गई। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। शाम को लगभग 6 बजे सूचना मिली कि साइट 4 में अमिताई के सामने एक प्लास्टिक कंपनी है, उसमें आग लगी है। तत्काल वैशाली, कोतवाली और साहिबाबाद से गाड़ियां भेजी गई। आग को चारों तरफ से घेर के बुझाया जा रहा है। पूरी फैक्ट्री में आग फैल चुकी है और आग को नियंत्रित कर लिया गया, थोड़ी देर में बुझा दिया जाएगा। भयानक आग लगी है एक फैक्ट्री के अंदर में, जहाँ पर खिलौने बनाने की फैक्ट्री है ये, जहाँ पर एक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग का गुब्बार देख सकते हैं किस तरह से, यहाँ पर ये आग का गुब्बार ऊपर दिख रहा है। काफ़ी दूरी तक ये गुब्बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि आग काफ़ी भयानक है। आग लगातार यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगाई गई हैं, फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश में लगा पड़ा है। हालांकि आग अभी भी विकराल रूप लेती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये फैक्ट्री जो है ये खिलौने बनाने की फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें ये आग ने एक विकराल रूप लिया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा और आगे दिखाएं कि किस तरह से आग बुझाने में सभी जितने भी फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। अब हालांकि आग ने जिस समय अब फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची है, तो हालांकि आग पर थोड़ा सा काबू पा लिया गया है,
लेकिन आग काफ़ी विकराल थी क्योंकि ये खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री थी जहाँ पर आग ने एक विकराल रूप लिया, क्योंकि आपको धुएं का गुंबार देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर धुआं किस तरह से काला एकदम दिख रहा है और काला निकल रहा है यहाँ पर। हालांकि साई बाबा साइट 4 की ये फैक्ट्री है जहाँ पर खिलौने बनाए जाते थे। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी। संभल में चंदौसी बहजोई रोड के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने थाना प्रभारी की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बनियाठेर थाना प्रभारी की गाड़ी के परछक्के उड़ गए जिसमें थाना प्रभारी कर्मपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।